जी वीर, मैं ये वैंकूवर में आ गया हूँ और इट्स अ डे एंड नाइट डिफरेंस। आई वुड से दैट टोरंटो में लू चल रही थी और 35 डिग्री टेम्परेचर था वहाँ पर। गर्मी की एक लहर आई हुई थी और 3 घंटे का डिफरेंस है, लेकिन जेट लैग जो है उसने काफ़ी परेशान किया हुआ है। तो चले वीर, मैं आगे एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, क्या नाम है, डालने जा रहा हूँ कि कनाडा के अंदर आप जब यहाँ एज ए न्यू इमिग्रेंट आते हैं तो क्या क्या काम कर सकते हैं, और ताकि आपके जो है ना दाल दलिया जो है चलता रहे, डिप्रेशन ना हो, एग्जाइटी ना हो, परेशान ना हो, आपकी जेब से जलाए हुए पैसे वो ख़त्म ना हो जाए। तो चलें, वो आगे की वीडियो देखिएगा। और यहाँ पर सर्दी है, आते साथ ही मैं उस हिसाब से मुनासिबत से कपड़े नहीं लेके आया। ये मेरी एक विंड ब्रेकर जैकेट है, वो हमेशा हर सफ़र में मेरे साथ चलती है, तो वही ये काम आ रही है। स्वेटर वगैरह ये उस मुनासिब से जो कपड़े होते हैं वो मैं लेके बिल्कुल भी नहीं आया। और यहाँ उतरते साथ ही एयरपोर्ट पर सर्दी थी, जबकि वैंकूवर, चलें ये भी बता दूँ इससे पहले कि आगे वीडियो शुरू करूँ, ब्रिटिश कोलंबिया का मौसम जो है बड़ा माइल्ड होता है एज़ कम्पेयर टू टोरंटो, लेकिन ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग या क्या वजह है कि अब शिफ्ट हो रहा है, वहाँ पर बारिशें ज़्यादा होती हैं, जबकि वैंकूवर जो है बीसी जो है नोन है फॉर बारिशों के लिए, लेकिन अब वहाँ पर उस तरफ बहुत ज़्यादा बारिशें होनी शुरू हो गई हैं। दूसरा प्लस वेदर जो है वहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है, अब यहाँ पर इट इज़ क्वाइट माइल्ड राइट नाउ। चले मैं तो बात करता रहूँगा। लैंगली को बस जा रही है, लैंगली यहाँ पर एक सबर्ब है। बस नज़र नहीं आ रही, बस कहाँ पर है मुझे नज़र नहीं आ रही। अच्छा, स्क्रीन छोटी है इसलिए नज़र नहीं आ रही। ये देखें, जो भी बस से उतर रहा है या चढ़ रहा है तो अपने ही लोग हैं सारे। चलें वीर, आगे की वीडियो आप देखिएगा जिसमें अब बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह के हैं सिलसिले। जी वीर, गुड आफ्टरनून। कैनेडियन रोड ट्रैकर ब्लॉगर रियल्टर हेयर इन सरी, ब्रिटिश कोलंबिया। थोड़ा सा शोर होगा क्योंकि ये घर जहाँ पर है ये मेन इंटरसेक्शन है, ट्रक भी चल रहे हैं, गाड़ियाँ भी चल रही हैं, कारें भी चल रही हैं। चलें मैं थोड़ा सा उस तरफ दिखाता हूँ। चलें, ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, चले उससे पहले मैं बता दूं कि थोड़ा सा थका हुआ हूँ, बुरी हालत है, भले वो 3 घंटे का टाइम डिफरेंस है, लेकिन क्या खूबसूरत इलाका है, पहाड़ पीछे नज़र आ रहे हैं। ये कम से कम 100 साल पुराना दरख्त होगा और आप ये ट्रैफिक का शोर देख सकते हैं कितना ट्रैफिक का शोर है। और ये बिल्कुल एक नया सब डिवीजन है जहाँ पर मैं पिछले साल भी आके ठहरा था और आज भी मैं यहाँ पर 10 दिन के लिए हूँ, यहाँ पर 8 दिन के लिए। चलें थोड़ा सी बात करते हैं। अच्छा, एक मैंने वीडियो बनानी थी इसके ऊपर कि बिज़नेस अपॉर्चुनिटी या हम यहाँ आके क्या काम कर सकते हैं। तो इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जो थी इसके बारे में कि आप आएंगे और ये काम कर लेंगे, वो काम कर लेंगे, जिसमें डिफरेंट किस्म के वो वीडियो अभी भी लोड हुई हुई है। लेकिन इसके बावजूद भी लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि भाई हम क्या और काम कर सकते हैं। देखें, कोई भी काम करना हो तो आपके लिए डेफिनेटली उसके आपको थोड़े से स्किल चाहिए होते हैं, उसकी बैकग्राउंड चाहिए होती है। आप ऐसा नहीं होता कि आप जस्ट जंप इन द ओशन वाली बात है। तो मैं तकरीबन 8 से 10 और ट्रेड इसके अंदर रखूँगा। आप यहाँ पर एज ए इमिग्रेंट आ जाते हैं, ये उन लोगों के लिए जो यहाँ पर इमिग्रेंट होकर आ सकते हैं और उनको अपनी लाइन में जॉब नहीं मिलती है और अपनी इतनी इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं है कि कोई भी बिज़नेस यहाँ पर ब्रिक एंड मोटर वाला जो बिज़नेस कहलाता है, जिस तरह रेस्टोरेंट है, या अगर आप कोई मैकेनिक वगैरह बनते हैं, कोई मैकेनिक शॉप वगैरह खोलते हैं या कार डिटेलिंग का बिज़नेस करते हैं, तो उसके लिए थोड़ा बहुत पैसा फिर भी चाहिए होता है। जिस तरह कार वॉश का है तो बड़ी जगह चाहिए होती है, एक मैकेनिक शॉप है तो आपको 3 बे या 2 बे की जगह चाहिए होती है। तो आप और ऐसे कौन से काम कर सकते हैं जिसमें आप थोड़ा सा स्किल अगर अपने अंदर क्रिएट कर लेते हैं और उससे आप हज़ारों डॉलर कमा लें। चले मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला काम जो है, और ये काम मैंने पहले भी खुद भी किया हुआ है क्योंकि मुझे हमेशा से आदत रही है कि जब भी कोई एक रेस्टोरेंट बिक जाता था और नए रेस्टोरेंट के प्रोसेस में होता था तो बीच में और डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ में ढूंढता था। तो एक काम मेरे जहन में आया था, कारपेट क्लिनिंग का। हर एक बैठे होते थे, लोकेशनें ढूँढ रहे होते थे, तो आदत है। तो आई केम अक्रॉस है कारपेट क्लिनिंग का। कारपेट क्लिनिंग का काम यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम समझा जाता है क्योंकि अब काफ़ी हद तक कारपेट्स का क्या शोर कर रहा है भाई तू, वो तेरे से जब ये देखे जी भैया इतना लोड डाल लेते हैं कि जब
से चढ़ा नहीं जा रहा है, लंबर है गालिबन। आप ये देखें भी है उसका हशर हो गया है, दो बेड उसे लगाए हुए हैं और फुल लोडेड है। तो ये सरी का इलाका है, आपको यहाँ पर मोस्टली जो है ना 50% आबादी जो है ना ब्रैम्पटन की तरह समझिए, सेकंड ब्रैम्पटन है, ब्रैम्पटन का ही एक किस्म है। अच्छा, तो कारपेट क्लीनिंग का जो काम है वो कारपेट क्लीनिंग का काम इतना अच्छा काम है कि आप आराम से एक दिन में 700 से 800 डॉलर कमा सकते हैं। कारपेट क्लीनिंग के काम के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, या तो आपने किसी के साथ काम किया हो, इट्स एन आर्ट। आप आराम से एक घंटे के अंदर $100, $150 मिनिमम बता रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर आप किसी भी होम डिपो है या किसी से अटैच हो जाते हैं या अपना प्राइवेट काम कर रहे होते हैं तो। अच्छा, ये काम होता कैसे है? इसके लिए आपको तीन चीज़ें चाहिए होती हैं। एक कारपेट क्लीन करने वाली मशीन होती है, और मशीन के साथ ही एक वांड होता है फुल प्रेशर के साथ, उसके डिफरेंट होजेज वगैरह होते हैं। आप जब भी गूगल करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कारपेट क्लीनिंग क्या चीज़ होती है। लेकिन इसके लिए जान चाहिए होती है, मसल्स चाहिए होते हैं। तो मैंने तकरीबन आज से 12-15 साल पहले देखा देखी एक साहब को कि यार ये बड़े पैसे बढ़ा रहे हैं, अपा भी ये काम करांगे। 3 दिन में गया था, मेरे बस में नहीं था। वो लोग जो थे, जो काम करने वाले थे, मैं बताऊंगा नहीं कि वो क्या पीते थे, 2-4 लगाए उन्होंने और उसके बाद वो लग गए। इट्स अ लिप, और आराम से 4 घंटे में कोई $700 का कॉन्ट्रैक्ट होता था, कोई $800 का कॉन्ट्रैक्ट होता था। तो कारपेट क्लीनिंग का काम एक बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है। अगर इफ़ यू आर अ मसल गाय, इफ़ यू आर अ स्ट्रॉन्ग गाय, यू कैन डू दैट। ये भी है। इसके बाद जो काम मैं एक बता रहा हूँ वो मर्द भी कर सकते हैं, औरतें भी कर सकती हैं, मर्द हज़रात भी कर सकते हैं जो इमिग्रेंट की हैसियत से आते हैं, वो है होम स्टेजिंग का, इंटीरियर डिज़ाइनिंग का, होम डेकोर का, और उसके साथ साथ आप शामिल कर सकते हैं होम क्लीनिंग वगैरह का। वो थोड़ा सा हट के है, वो मैनेजमेंट की तरफ चला जाता है, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट वगैरह की तरफ, ये होम क्लीनिंग का उसकी तरफ चला जाता है। इस काम की भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड है इस जमान, इस सेंस में जिस तरह स्टेजिंग का होता है। मिनिमम जो इस वक्त स्टेजिंग जो है, हम लोग जब मकान वगैरह लिस्ट करते हैं तो हम एक ऑफ़र करते हैं सेलर को कि वी विल डू द फ्री होम स्टेजिंग, एज ए रियल्टर बात कर रहा हूँ। तो ये काम जो है ना, जिसका रेट चलता है तकरीबन $1,500 से $3,000 फॉर अ मंथ, सारा फर्नीचर आपका होगा, आप पूरे घर को डेकोर करेंगे, पूरे घर को इस तरह स्टेज करेंगे जिस तरह बिल्कुल मूव इन कंडीशन के जो मकान होते हैं, अगर कोई आता है तो उसको ये कैसा लगेगा। और हम जब भी किसी प्रॉपर्टी को दिखाने जाते हैं तो हम बता देते हैं कि ये स्टेज्ड हाउस है, बेड के फर्नीचर किस तरह लगा होगा, वॉल्स के ऊपर सीनरी किस तरह की होगी, वॉशरूम के अंदर क्या डेकोरेशन होगी, लिविंग रूम में क्या डेकोरेशन होगी, फैमिली रूम में क्या डेकोरेशन होगी। तो एक ये एक बड़ा अच्छा काम होता है, और ये बड़ी ही इसके अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट, लेकिन इसके लिए आपको जगह चाहिए होती है। अगर आपको घर को संवारने सजाने का शौक़ है तो आप ये काम भी अपने तौर पे कर सकते हैं। सॉरी वियर शोर थोड़ा सा होगा। तो एक ये होम डेकोरेशन के अंदर आ गया। इसके बाद एक काम जो होता है बड़ा अच्छा होता है, ये अगर थोड़ा सा इससे हट गया है, वो है होम क्लीनिंग का और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ज़रा ऊपर की चीज़ आ जाती है, उसके लिए थोड़ा सा कोर्स तो कोई नहीं, रियल एस्टेट का कोई कोर्स नहीं चाहिए होता, लेकिन प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के शायद कोर्सेज वगैरह करने पड़ते हैं। वो आप काफ़ी इस्टेब्लिश हो जाएं तो फिर आप उस फील्ड में जा सकते हैं। लेकिन जो प्रॉपर्टी क्लीनिंग का काम है, फ़र्ज़ किया मैंने एक मकान है किराए पर दिया हुआ था, अब मैं उसको फॉर सेल लगाना चाहता हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ना तो सेलर के पास इतना टाइम है कि उस मकान को साफ़ करेगा और इसको तैयार करे अगले स्टेज के लिए, ताकि बायर, जिस तरह दुल्हन को सजाना होता है कि वो कोई आके उसको ख़रीदे या देखे, तो उसके लिए होम क्लीनिंग इन्वॉल्व होती है। वो जो है, अगर मिनिमम छोटा सा काम है तो वो $200 से लेके वो $1,000 तक पे होता है। अगर पूरा घर इन्वॉल्व हो जाता है, डिपेंड करता है कि हाउ डर्टी द हाउस इज़,
तो एक ये बहुत अच्छा काम है। ये भी है, इसके बाद जो काम मैं एक बता रहा हूँ वो मर्द भी कर सकते हैं, औरतें भी कर सकती हैं, मर्द हज़रात भी कर सकते हैं जो इमिग्रेंट की हैसियत से आते हैं, वो है होम स्टेजिंग का, इंटीरियर डिज़ाइनिंग का, होम डेकोर का, और उसके साथ साथ आप शामिल कर सकते हैं होम क्लीनिंग वगैरह का। वो थोड़ा सा हटके है, वो मैनेजमेंट की तरफ चला जाता है, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट वगैरह की तरफ, ये होम क्लीनिंग का उसकी तरफ चला जाता है। इस काम की भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड है इस जमान, इस सेंस में जिस तरह स्टेजिंग का होता है। मिनिमम जो इस वक्त स्टेजिंग जो है, हम लोग जब मकान वगैरह लिस्ट करते हैं तो हम एक ऑफ़र करते हैं सेलर को कि वी विल डू द फ्री होम स्टेजिंग, एज ए रियल्टर बात कर रहा हूँ। तो ये काम जो है ना, जिसका रेट चलता है तकरीबन 1500 से $3000 फॉर अ मंथ, सारा फर्नीचर आपका होगा, आप पूरे घर को डेकोर करेंगे, पूरे घर को इस तरह स्टेज करेंगे जिस तरह बिल्कुल मूव इन कंडीशन के जो मकान होते हैं, अगर कोई आता है तो उसको ये कैसा लगेगा। और हम जब भी किसी प्रॉपर्टी को दिखाने जाते हैं तो हम बता देते हैं कि ये स्टेज्ड हाउस है, हम इन बेड के फर्नीचर किस तरह लगा होगा, वॉल्स के ऊपर सीनरी किस तरह की होगी, वॉशरूम के अंदर क्या डेकोरेशन होगी, लिविंग रूम में क्या डेकोरेशन होगी, फैमिली रूम में क्या डेकोरेशन होगी। तो एक ये एक बड़ा अच्छा काम होता है, और ये बड़ी ही इसके अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट, लेकिन इसके लिए आपको जगह चाहिए होती है। अगर आपको घर को संवारने सजाने का शौक़ है तो आप ये काम भी अपने तौर पर कर सकते हैं। सॉरी वियर शोर थोड़ा सा होगा। तो एक ये होम डेकोरेशन के अंदर आ गया। इसके बाद एक काम जो होता है बड़ा अच्छा होता है, ये अगर थोड़ा सा इससे हट गया है, वो है होम क्लीनिंग का और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ज़रा ऊपर की चीज़ आ जाती है, उसके लिए थोड़ा सा कोर्स तो कोई नहीं, रियल एस्टेट का कोई कोर्स नहीं चाहिए होता, लेकिन प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के शायद कोर्सेज वगैरह करने पड़ते हैं। वो आप काफ़ी इस्टेब्लिश हो जाएँ तो फिर आप उस फील्ड में जा सकते हैं। लेकिन जो प्रॉपर्टी क्लीनिंग का काम है, फ़र्ज़ किया मैंने एक मकान है किराए पर दिया हुआ था, अब मैं उसको फॉर सेल लगाना चाहता हूँ, फॉर सेल लगाना चाहता हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ना तो सेलर के पास इतना टाइम है कि उस मकान को साफ़ करेगा और इसको तैयार करे अगले स्टेज के लिए, ताकि बायर जिस तरह दुल्हन को सजाना होता है कि वो कोई आके उसको ख़रीदे या देखे, तो उसके लिए होम क्लीनिंग इन्वॉल्व होती है। वो जो है अगर मिनिमम छोटा सा काम है तो वो $200 से लेके वो $1000 तक पे होता है, अगर पूरा घर इन्वॉल्व हो जाता है, डिपेंड करता है कि हाउ डर्टी द हाउस इज़। तो एक ये बहुत अच्छा काम है। जी भैया, इसके बाद एक काम आ जाता है एक टूर ऑपरेटर का। टूर ऑपरेटर किस तरह के, जिस तरह आपको पता है कि टोरंटो जो है में टूरिज़्म जो है वो अपनी पीक पे होती है समर में और आम दिनों में भी, तो इसमें जब अगर आप ऊबर वगैरह से ज्वाइन कर लेते हैं या ऊबर में नहीं भी ज्वाइन करते हैं, तो आप जो है ना एज ए टूर ऑपरेटर के तौर पर एक छोटा सा बिज़नेस रजिस्ट्रेशन करवा कर आप जो है लोगों को नियाग्रा की सैर करानी है, या करीब करीब के जो इलाके हैं वो दिखाने हैं, ये होटल पिक एंड ड्रॉप है, वो थोड़ा सा उसमें इश्यूज आ जाते हैं कुछ लाइसेंसिंग वगैरह का, लेकिन वो काम भी लोग कर रहे होते हैं कि एयरपोर्ट से लोगों को उठाया और ड्रॉप कर दिया। डिपेंड करता है सारा आप कितना, और यार इतना शोर का दिल ही करते हो यार, मुझे नहीं लगता कि आई शुड बी मेकिंग गुड वीडियो ओवर हेयर। तो आप एक क्या नाम है टूर ऑपरेटर का भी काम यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और इसके अलावा जो एक काम होता है, अगर आप थोड़े से पढ़े लिखे हैं तो वो होता है होम अप्रेजल का। होम अप्रेजल क्या चीज़ होती है, कोई भी इसके लिए कोर्स करना पड़ता है आपको, कि कोई प्रॉपर्टी जो है फॉर सेल लग रही है तो उसको अप्रेज करवाना पड़ता है। बैंक भी अप्रेज करवाता है और आप भी चाहें तो एक एज ए प्राइवेट पार्टी भी अप्रेज करवा सकते हैं। तो एक अप्रेज़र को तकरीबन 250 से 300 400 डॉलर का एक नुस्खा होता है। तो वो आप आराम से अगर दिन एवरी डे एक से दो केसेस कर रहे हैं तो उसके अंदर हो जाता है। फिर इसके बाद है दूसरा काम जो है कि इंश्योरेंस ब्रोकरेज का, उसको भी आपको कोर्स करना पड़ता है। और तीसरा काम होम से ही रिलेटेड जो है होम इंस्पेक्टर। होम इंस्पेक्टर क्या होता है, आप इसका कोर्स करते हैं, इसका भी इसकी लाइसेंसिंग होती है प्रॉपर तरीके से, और आप एक होम इंस्पेक्टर बन सकते हैं। तो ये वो काम है, वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं
जो आप इस तरह के छोटे छोटे कोर्सेज करते हैं किसी ना किसी उसके अंदर आपका काम बन जाता है, इस सेंस में कि डिप्रेशन में जाएं, एंग्जाइटी हो और एंड अप हो फैक्ट्रीज में, तो ये साथ साथ जो है अपने घर के ब्रेड एंड बटर को कायम रखते हुए इनिशियल स्टेज में जब आप यहाँ पर आते हैं और आपके खर्चे निकालने बहुत मुश्किल होते हैं, तो साथ साथ जो है आप इस किस्म के अगर कोर्स कर लेते हैं तो आपको क्या नाम है, यकीनी बात है आप यहाँ पर कनाडा में पैर जमाने में आसानी हो सकती है। चलें वियर, यहाँ शोर शराबा भी बहुत है, लेकिन मैंने कहा कि वीडियो तो चूँकि मेरा एक ये है कि एक वीडियो मुझे डालनी है चाहे कुछ हो जाए। अरे मैंने आपको खुद तो दिखाई नहीं, तो उस नज़रिए से मैंने कहा कि इससे पहले कि मैं बिज़ी हो जाऊँ, क्योंकि शाम के सारे प्रोग्राम जो हैं यहाँ लाइंड अप हुए हुए हैं, कहीं घूमने फिरने के लिए जाना होगा, तो मैंने कहा नहीं, व्यूअर्स के साथ इन टच रहने के लिए मैं एटलीस्ट एक वीडियो तो डाल दूँ, तैयार करके रख दूँ। जिस तरह अभी जो मैंने वीडियो आज सुबह की जो अभी रिलीज़ की है वो मैं एयरपोर्ट पर जैसे ही उतरा मैंने बना के रखी हुई थी, उसको पब्लिक कर दिया था। चलें व्यूअर, बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियो को आखिर तक देखिएगा और कमेंट करें, इसको शेयर करें। यार यहाँ तो बहुत शोर है यार, चले अंदर चलते हैं यार। मैंने अपनी दुकान खोल ली है, मैं अपनी दुकान खोल के बैठा हुआ था यहाँ पर। चलें व्यूअर, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लाइक आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियोज़।